हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट 50 आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि 50 वैसे क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे गए हैं, वैसे प्रश्नों को आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। अगर आपकी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी में थोड़ी सी कमी है तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए और आपको कैसे पढ़नी चाहिए। तो ये 50 वैसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बार बार। आप सभी प्रश्न का आंसर दीजिएगा, जो नहीं बने तो प्लीज इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है। अब हम सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या। तो आप सबको पता होगा मानवाधिकार के बारे में, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जितना भी चीज हम एक्स्ट्रा में लिखेंगे ये सारा चीज आपके इंपॉर्टेंट के लिए है और आपको अच्छे से याद होगा, तो प्लीज आप ध्यान से थोड़ा मेरी बातों को सुनिएगा। देखिए, आपको पता होगा मानवाधिकार के बारे में, मानवाधिकार की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों, तो ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जाता है। 10 दिसंबर 1948 है ना, और हम लोग मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। आपको पता है ना कि 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए, कहने का मतलब है मानवाधिकार की रक्षा के लिए या इनके देखभाल के लिए प्यारे बच्चों एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन किया गया। किसका? एमनेस्टी इंटरनेशनल। यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर अंतरराष्ट्रीय संगठन है, मतलब कि यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। और इसका जो संबंध है वह है मानवाधिकारों की रक्षा से, यानी कि ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस मनाते हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। ओके, और पूछा जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध, तो ये मानवाधिकारों की रक्षा से है क्योंकि इन्हीं की रक्षा के लिए इस संगठन का गठन हुआ था अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल याद रखिएगा, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है, यानी कि अगर किसी को राज्यसभा की सदस्य बनना है तो उनकी कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगर कोई इंसान लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है, किसका? लोकसभा का। तो अगर कोई लोकसभा, जिससे कि प्रधानमंत्री बनते हैं है ना, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष, और कोई अगर राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, तो उनको कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। तो ये सारा चीज आप अच्छे से याद रखिएगा, यहां पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सेकेंड नंबर प्रश्न का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। हम सब जानते हैं लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है ये 552 हो सकती है, ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। आपको पूछा जाएगा कि बिहार विधान, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है, आप सबको पता है कि ये जो विधान परिषद है, टोटल 6 ऐसे राज्य है जहां पर विधान परिषद है, 6 राज्य। आपको पूछा जाता है कि ऐसे कितने राज्य है जहां पर विधान परिषद है, तो टोटल 6 राज्य है पूरे भारत में। ओके, ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विधान परिषद के जो सदस्य बनते हैं उनका कार्यकाल वो कब से कब तक काम कर सकते हैं, तो प्यारे बच्चों वो जो है 6 वर्ष तक काम कर सकता है। ठीक है, यानी कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। बाकी सभी चीजों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है। अब हम सब जानते हैं तेलुगु देशम, नाम से भी समझ में आ रहा होगा, तेलुगु देशम है ना, तो ये तेलुगु देशम जो पार्टी है ये किस क्षेत्र की पार्टी है, फटाफट से जवाब दीजिएगा, आंध्र प्रदेश होगा या तमिलनाडु होगा। 5 का प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल तेलुगु देशम जो है ये आपका आंध्र प्रदेश की पार्टी है, क्योंकि तेलुगु भाषा जो है ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आपको पूछा जाता है कौन ऐसा राज्य है जो कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य, भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य का नाम क्या है, तो प्यारे बच्चों उसका नाम है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आज जो आपका तेलंगाना राज्य बना है 2015 में, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, आज जो तेलंगाना राज्य बना है 2015 में, तो ये जो राज्य बना है प्यारे बच्चों ये कौन राज्य से अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। और ये तेलंगाना राज्य बना कब? 2015 में। ओके, ये चीज बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, तेलंगाना जो राज्य है ये आपका 29वां राज्य था, यानी कि 29वां नंबर में ये राज्य बना था, और भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था प्यारे बच्चों 1953 में। ये डेट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। 6 का, अच्छा 6 का कौन आंसर दे रहे हैं? 10 दिसंबर, क्या बात है साजन, वेरी गुड।
तो तेलुगु देशम जो पार्टी है ये आपके आंध्र प्रदेश की पार्टी है। बाकी अगर हम पूछे कि आरजेडी पार्टी कहाँ की है तो आरजेडी बिहार की पार्टी है। प्यार बच्चों पूछेंगे कि जेडीयू पार्टी जो है कहाँ की है, तो जेडीयू जो है ये बिहार की पार्टी है। हम पूछेंगे डीएमके पार्टी कहाँ की है, तो याद रखिए अगर डीएमके पार्टी जो है ये आपका तमिलनाडु का पार्टी है, ठीक है, कहाँ का पार्टी है, तमिलनाडु पार्टी। आरजेडी आपका बिहार, बीआर मतलब बिहार, उसके बाद जेडीयू आपका बिहार, ठीक है। बाकी एसपी और बीएसपी, एसपी और बीएसपी ये दोनों पार्टी यूपी का है। उसके बाद और कुछ पार्टी के बारे में पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए एक और पार्टी जो कि हमने बताया था अकाली दल, तो याद रखिएगा अकाली दल जो है ये आपका अकाली दल जो है ये प्यार बच्चों आपका पंजाब की पार्टी है, कहाँ की, पंजाब की, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है अकाली दल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, फटाफट से याद रखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो नेशनल जो कॉन्फ्रेंस पार्टी है ये कहाँ की पार्टी है प्यार बच्चों, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है ये पार्टी आपकी जम्मू एंड कश्मीर की पार्टी है। तो इस तरीके से एक ना दो क्वेश्चन यहाँ से आपका हर हाल में हर बार आता है, सबको याद कर लीजिएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की पार्टी, अकाली दल आपका पंजाब की पार्टी, उसके बाद ये जो डीएमके है तमिलनाडु की, आरजेडी जेडीयू बिहार की, एसपी बीएसपी आपका यूपी की, उनके बाद तेलुगु देशम पार्टी जो है आपका आंध्र प्रदेश की। ओके, ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमने अभी आपको करवाया कि ये जो मानवाधिकार दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो अभी हमने बताया कि मानवाधिकार दिवस जो है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आप में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए मानवाधिकार दिवस होता क्या है, तो प्यारे बच्चों हम सब जानते हैं मानवाधिकार दिवस जो है मानवों की रक्षा के लिए बनाया गया है। यानी कि आप सिंपली याद रखिएगा कि एक इंसान जिसका ना ही धर्म देखा जाता है, ना ही जाति, ना ही रंग, ना ही रूप, ना ही उनका कपड़ा, ना ही उनका पहनावा, ना ही उनका चाल, बिना कुछ देकर के उनकी रक्षा करना, उनके खाना पीना का रक्षा करना, उनका शिक्षा का रक्षा करना, इसी को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं मानवाधिकार दिवस। और इसी की रक्षा के लिए बनाया गया था एमनेस्टी इंटरनेशनल को 1961 में, ओके, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय गैर संगठन थी। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का, बहुत बढ़िया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा का प्रस्ताव कब किया, तो अभी हमने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है वो जो है मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा का जो प्रस्ताव पास किया था प्यारे बच्चों वो किया था 10 दिसंबर 1948 को। यानी कि मानवाधिकार जो इसका जो घोषणा हुआ था वो कब हुआ था, 10 दिसंबर 1948 को, इसीलिए 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। और 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। यानी कि आपको बताना है कि कोई अगर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना चाहता है तो बताइए संविधान का कौन सा अनुच्छेद का इस्तेमाल करेगा, तो हम सब जानते हैं अनुच्छेद 61। यानी कि अनुच्छेद 61 का इस्तेमाल करके कोई भी राष्ट्रपति पर हम लोग महाभियोग चला सकते हैं, अनुच्छेद 61 आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आपको कुछ कुछ क्वेश्चन जो कि याद रहना चाहिए, अनुच्छेद 356 के बारे में पता होगा ना कि अगर कोई पूरे राज्य में, अगर कोई पूरे राज्य में आपातकाल लागू करना चाहता है, क्या लागू करना चाहता है आपातकाल, तो प्यारे बच्चों उसको कौन सा अनुच्छेद का प्रयोग करना पड़ेगा, अनुच्छेद 356 पूरे राज्य में आपातकाल लागू करने के लिए। और पूरे राज्य में अगर आपातकाल लागू हो गई तो ये जो राज्य का पावर है, राज्य का जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास आ जाती है, किसके पास, राष्ट्रपति के पास ये पूरी ताकत आ जाती है। यानी कि एक राज्य सरकार जो मुख्यमंत्री राज्यपाल, इसका पूरा पावर खत्म, ओके, पूरा पावर केंद्र सरकार के पास। तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके पूरे राज्य पर आपातकाल लागू किया जाता है, अगर अनुच्छेद 352 का प्रयोग करें तो इससे क्या होता है, पूरे राष्ट्र पर आपातकाल लागू किया जा सकता है, यानी कि पूरे देश पर, ठीक। बाकी अनुच्छेद 61 का प्रयोग करके हम लोग जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है, तो हम सब जानते हैं सुरक्षा का मतलब होता है खतरे से आजादी। सुरक्षा का दो प्रकार, पारंपरिक अपारंपरिक। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से मुक्ति। और याद रखिएगा ये जो चैप्टर है चैप्टर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, विश्वव्यापी तापवृद्धि और एक आपका 1992 का जो सम्मेलन हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, उसके बारे में पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। अब हम सब जानते हैं सोवियत संघ के बारे में, और ये सोवियत संघ है क्या, यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ। तो प्यारे बच्चों सोवियत संघ का जो विघटन है ये हुआ था 1991 में, और ये विघटन होकर के, विघटन का मतलब टूट गया था, और टूट करके टोटल कितना देश बना, 15 देश। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना, सबसे पहला कि सोवियत संघ इसका विघटन कब हुआ, 1991 में ये खत्म हो गया,
और जैसे ही ये सुएज संघ का विघटन हुआ, सुएज संघ खत्म हुआ, उसके बाद ये जो शीत युद्ध चल रहा था प्यारे बच्चों, शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई। इसलिए कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए शीत युद्ध समाप्ति होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, तो वो है सुएज संघ का विघटन, जो कि हुआ था 1961 में, ठीक 1991 में, और इसमें टूट करके सुएज संघ टूट करके टोटल 15 देश बने थे, और शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई थी कब, 1961 में। ओके, शीत युद्ध किसके किसके बीच चल रहा था, अमेरिका के बीच में और सुएज संघ के बीच में, और शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी प्यारे बच्चों, 1945 में। ये सभी डेट आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, तेलुगु देशम। अभी बताया कि ये जो तेलुगु देशम है ये किस राज्य की पार्टी है, तो प्यारे बच्चों तेलुगु मतलब तेलुगु भाषा, और तेलुगु भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश, इसलिए तेलुगु देशम जो पार्टी है वो आंध्र प्रदेश की पार्टी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12, ओजोन परत के नुकसान से मानव को निम्नलिखित में किस प्रकार के रोग होते हैं। अब ये ओजोन परत क्या है, थोड़ा सा इसको आप अच्छे से समझिए, ध्यान से देखना यहां पर, देखिए अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को समझिए, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। देखिए ये जो है प्यारे बच्चों आपका क्या है, पृथ्वी है, ये क्या है आपका पृथ्वी है, ठीक है, और ये क्या है आपका सूरज है, यानी कि सूर्य है, ये क्या है आपका सूर्य है, और ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के चारों तरफ जो है ना एक परत होता है, जिस परत का नाम है ओजोन परत। पृथ्वी के चारों तरफ एक परत होता है जिसका नाम क्या है, ओजोन परत, जिसको हम लोग O3 कहते हैं, O3, ठीक है। अब सूर्य से क्या निकलती है, प्रकाश की किरणें, यानी कि सूर्य से क्या आता है, रोशनी आता है, प्रकाश आता है, और ये प्रकाश जो है पूरे पृथ्वी पर पड़ता है। एक्चुअल में सूरज ज्यादा बड़ा होता है, कोई बात नहीं आप कल्पना कर लेना, तो सूरज से जो है प्रकाश आता है और ये प्रकाश डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ता है, ठीक। लेकिन प्यारे बच्चों सूरज का जो प्रकाश है ना वो हम लोगों के लिए फायदेमंद तो है, लेकिन कुछ कुछ प्रकाश जो कि फायदेमंद नहीं है, जो कि हम लोगों के शरीर के लिए नुकसान है, उस प्रकाश का नाम है, उस किरण का नाम है पराबैंगनी किरण। तो अच्छे से याद रखिएगा, ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, पारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, ठीक है, पराबैंगनी किरण, ठीक है, याद रखना। तो सूर्य से जो है प्रकाश की किरणें आती है, और प्रकाश की जो किरणें आती है प्यारे बच्चों ये बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें एक किरण होती है जिसका नाम है पराबैंगनी किरण, और ये पराबैंगनी जो किरण है वो हम लोगों के शरीर में अगर पड़ जाए तो हम लोगों के शरीर में जो ये स्किन होती है, जो चमड़ा होती है, उस पर कैंसर की बीमारी हो सकती है, घाव हो सकती है, क्योंकि ये पराबैंगनी किरण बहुत खतरनाक होती है, ठीक। इसी पराबैंगनी किरण को रोकने के लिए प्रकृति ने प्यारे बच्चों ये बनाया है O3 ओजोन परत, यानी कि ओजोन परत का काम क्या है, ये पराबैंगनी किरण को रोकना, बाकी सारे प्रकाश को आने के लिए देना, ठीक है। अब हम लोग पृथ्वी पर क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, हम लोग AC चलाते हैं, हम लोग फ्रिज चलाते हैं, हम लोग बड़े बड़े फैक्ट्री चलाते हैं, बहुत सारे की चीजें यहाँ पर होती है, और ये सब चलाने की वजह से एक गैस निकलता है, जिस गैस का नाम है CFC CO2, इसके बाद और भी गैस है, खतरनाक गैस है। तो CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ये सभी गैस जो है प्यारे बच्चों जहरीला गैस है, यानी कि ये सभी गैस बहुत खतरनाक है, और इन गैस की वजह से क्या होता है, ओजोन परत में छेद हो जाता है, यानी कि ये CFC हो गया, CL2 यानी कि क्लोरीन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैस कहाँ से निकलता है, गाड़ी से निकलता है, फ्रिज से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, और ये गैस निकलने के बाद पृथ्वी से, जमीन से निकलने के बाद ये पूरे ओजोन परत को छेद कर देता है, और जब ये ओजोन परत छेद हो जाता है तो ये जो पराबैंगनी किरण है वो आसानी से पार कर जाता है और हम लोगों के शरीर पर पड़ जाता है, तो इसी को कहते हैं ओजोन परत में छेद होना, ठीक है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन पूछा गया कि ओजोन परत के नुकसान से, यानी कि ओजोन परत जो चारों तरफ था अगर वो छेद हो जाए, अगर वो नुकसान हो जाए तो इससे किस प्रकार का रोग होगा, किस प्रकार का बीमारी, तो प्यारे बच्चों अभी बताएं कि त्वचा कैंसर रोग होगा, यानी कि स्किन कैंसर होगा, त्वचा कैंसर रोग है ना, वेरी गुड। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 1977 के चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन बने। अब हम सब जानते हैं कि ऐसा पहला पार्टी था जिसका नाम था जनता पार्टी, और वही जनता पार्टी जिसका गठन हुआ था 1977 में, और ये पार्टी 1977 में बनी, बनने के बाद पहली बार सरकार भी बने जिसका नाम था मुरारजी देसाई। तो याद रखिएगा मुरारजी देसाई ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो कि कांग्रेस के खिलाफ बने थे, और ये जो मुरारजी देसाई है वो जनता पार्टी से थे। कौन पार्टी से थे, जनता पार्टी। मुरारजी देसाई जब सरकार बने तो इनकी जो सरकार है वो 18 महीने तक चली। कितने महीने तक, 18 महीने, यानी कि 18 महीने के बाद मुरारजी देसाई की सरकार गिर गई।
तो ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो कि जनता पार्टी से बने थे 1977 के बाद, जिनका नाम था मोरारजी देसाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहां हुआ? तो ये हुआ था जेनेवा में, ठीक है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहां पर हुआ था? जेनेवा में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? तो आजाद भारत की प्रथम सरकार में जो गृह मंत्री था प्यारे बच्चों, उसका नाम क्या था? हम सब जानते हैं स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत का मतलब आजाद भारत, यानी कि जब भारत की आजादी हो गई। क्वेश्चन को घुमाया जाता है, आपको नहीं घूमना। जब भारत की आजादी हो गई उसके बाद पहली प्रधानमंत्री कौन, पहली गृह मंत्री कौन थे? तो हम सब जानते हैं उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री, पहले होम मिनिस्टर थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ओके, 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? हम सब जानते हैं मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यानी कि मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी 1948 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डेट याद रखिएगा 10 दिसंबर 1948, इसीलिए हम लोग 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी 1948 में। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 17, जनता दल यूनाइटेड ये किस राज्य की पार्टी है? तो JDU ये जो है आपका बिहार की पार्टी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 70 नंबर प्रश्न का, ठीक है। फटाफट से सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्यारे बच्चों, इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बहुत लाजवाब और बहुत अच्छा होगी, ठीक है। सर एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं, सर आज कोर्स लॉन्च करने वाले थे, क्या हो गया? हाँ प्यारे बच्चों, एक चीज याद रखिएगा, हम लोग जो है ना नया बैच आज शुरू करने वाले थे 2025 एग्जाम के लिए, है ना, लॉन्च करने वाले थे, यानी कि आज हम लोगों की एडमिशन जो है वो शुरू हो जाती, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, जो जो स्टूडेंट 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो उन लोगों का जो है नया बैच आज हम लोग शुरू करने वाले थे, बट नहीं हो पाया किसी कारण से। कल आपके 100% वो बैच शुरू हो जाएगी, लॉन्च हो जाएगी और एडमिशन जो है हम लोगों का शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो ऐप में जाकर के चेक कर लीजिएगा, ऐप का नाम तनु क्लासेस है, उस ऐप में जाके आपको देख लेना है और वहां पर जो है आपका कोर्स लॉन्च हो गया है ना। बैच का नाम है सफलता बैच। बैच का नाम क्या है प्यारे बच्चों? सफलता बैच। तो सफलता बैच को आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं और कल से एडमिशन इसमें शुरू हो जाएगी। तनु क्लासेस ऐप का नाम है। जो भी बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं वो सभी को एडमिशन करवाइएगा, एडमिशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ऑफर वगैरह सब देंगे, कल के वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी ऐसा हो गया जिसकी वजह से हम जो है एक दिन लेट हम लोगों को होना पड़ा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्लास भी बहुत लेट हो गई है। चलो अगला क्वेश्चन, जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? बिहार की पार्टी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? तो इसलिए आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने प्यारे प्यारे सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देना है, सभी लोगों को बता देना है कि हम लोग जो है इस बार 2025 का बैच शुरू कर रहे हैं, ठीक है। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? तो हम सब जानते हैं केंद्र में जनता पार्टी जो बनी थी वो 1977 में, और 1977 में ही ये सत्ता में भी आ गई थी, उसी वर्ष में जीत हो गया था इनका, ठीक है। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1977 में, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने करी? जब भी जाति की बात आए तो याद रखना जाति से संबंधित ज्यादातर बात जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते थे, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। तो अनुसूचित जाति संघ की जो स्थापना है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने करी। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? यानी कि आपको बताना है कि 2010 में जब बिहार में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो इस चुनाव में आपको यह बताना है कि कौन ऐसा पार्टी था जो कि नंबर वन पे आया था, जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल या भारतीय जनता पार्टी। यानी कि आपको JDU और RJD में बताना है, जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताइए। 2010 के बारे में आपको पता है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सही, जनता दल यूनाइटेड JDU जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, ठीक है, याद रखिएगा JDU। तो JDU जो पार्टी है प्यारे बच्चों, 2010 में जब बिहार में इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त में जनता दल यूनाइटेड पार्टी नंबर वन पार्टी थी, ओके, नीतीश कुमार जी की पार्टी। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, जो कि बिहार के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री है। अगला देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, 95 में, 99 में, 2000 में। तो हम सब जानते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO, और ये क्या करता है, विश्व व्यापार संगठन का काम क्या है, पूरे दुनिया में जो व्यापार होता है एक देश से दूसरे देश में, इसी से संबंधित नीति बनाता है, कौन, विश्व व्यापार संगठन, और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा,
क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। चलो आप लोग का कमेंट भी देखेंगे। अगला देखिए, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। अब हम सब जानते हैं यूरोपीय संघ के बारे में, आपको थोड़ा कहानी शुरू से बताते हैं। आप सबको पता होगा प्यारे बच्चों, 1945 में क्या शुरू हुआ था, शीत युद्ध, है ना। 1945 में शीत युद्ध शुरू हुआ, और शीत युद्ध जो है वो दो दो देशों के बीच बेसिकली शुरू हुआ था। एक तरफ था आपका यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, और एक तरफ था आपका अमेरिका। इन दोनों के बीच में क्या शुरू हो गया, शीत युद्ध। और ये जो शीत युद्ध है ये कब तक चला प्यारे बच्चों, 1991 तक। अब 1991 में जो है ना यूएसएसआर की जो है एंड हो गई, मतलब यूएसएसआर खत्म हो गया, और ये टूट करके टोटल 15 देश बन गया, यानी कि सोवियत संघ टूट करके टोटल कितना देश बना, 15 देश। अब जब सोवियत संघ टूट गया तो अमेरिका अकेले बच गया। अमेरिका तो बहुत ताकतवर हो गया, पहले अमेरिका को रोकने के लिए कौन था, यूएसएसआर था, लेकिन अब अमेरिका बहुत ताकतवर हो गया। इसीलिए अमेरिका को रोकने के लिए 1992 में सोवियत संघ आपका कब खत्म हुआ था, 1991 में सोवियत संघ कब खत्म हुआ, 1991 में, और एक साल के बाद 1992 में अमेरिका को रोकने के लिए प्यार बच्चों यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी, है ना। और यूरोपीय संघ की स्थापना इसीलिए हुआ था क्योंकि अमेरिका जो है मनमार्जी कर रहा था, कोई बात को सुनता नहीं था, ठीक है। तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, 1992 में, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है उसको क्या कहते थे, यूरो कहते थे, यूरो। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या था, यूरो। इसकी स्थापना कब हुई, 1992 में, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ। तो हैदराबाद जो है वो भारत के साथ मिलना नहीं चाहता था, वो भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन सैनिक ने जो है युद्ध करके बलपूर्वक जो है हैदराबाद को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया, और आज जो है हैदराबाद भारतीय संघ का हिस्सा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25, द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन ने किया। हम सब जानते हैं कि द्विराज सिद्धांत का मतलब क्या होता है, द्विराज सिद्धांत इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों कि दो देश का बनना, है ना, धर्म के आधार पर दो देश का बनना, इसी को हम लोग कहते हैं द्विराज सिद्धांत। और ये जो है द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो मुस्लिम लीग ने। ठीक है, तो याद रखिएगा द्विराज सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये किया था मुस्लिम लीग ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1906 में, और यही मुस्लिम लीग ने क्या कहा, इसने कहा कि द्विराज जैसे सिद्धांत होनी चाहिए, यानी कि दो देश बनना चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग देश बनना चाहिए, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने करी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो हम सब जानते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है दोहरी नागरिकता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोहरी नागरिकता जो है ये भारतीय संघ की विशेषता नहीं है, 2018 में ये आपको पूछा गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो बिल्कुल राइट सर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1906 में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, कहां पर, ढाका में हुई थी। ढाका, ढाका आपका कहां पर पड़ता है, बांग्लादेश में। तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ये एक पार्टी था मुसलमानों का, आज के दिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्टी है। अगला देखिए क्वेश्चन आपका 28, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। हम सब जानते हैं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, ठीक है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में, उसके बाद जनता पार्टी की स्थापना 1977 में। तो ये सभी डेट अच्छे से याद रखिएगा, 1980 में प्यारे बच्चों बीजेपी, जनता पार्टी 1977, मुस्लिम लीग 1906, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी, तो याद रखिएगा ए ओ ह्यूम ने। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने, बीजेपी की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी ने, और जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी इसका जो अध्यक्ष थे उनका नाम था संपूर्ण क्रांति किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण, उसी जो वही जो है जनता पार्टी के क्या थे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, अध्यक्ष। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30, आप सबको पता होगा कांग्रेस पार्टी जो है दो खेमों में बट गई थी, दो भागों में बट गई थी। तो कांग्रेस पार्टी दो भागों में कब बटी थी, हम सब जानते हैं 1969 में। तो कांग्रेस पार्टी जो है 1969 में दो खेमों में बट गई, दो भागों में, ठीक है। एक का नाम रखा गया कांग्रेस ओ, एक का नाम रखा गया कांग्रेस आर। तो कांग्रेस पार्टी जो है टूट गई थी 1969 में, दो भागों में, दो खेमों में बट गई, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिएगा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। हम सब जानते हैं जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्राइम मिनिस्टर थे, जो कब बने थे, 1964 में, जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई उसी साल लाल बहादुर शास्त्री भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, और इसी ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया। और फिर इनकी मृत्यु कब हुई, 1966 में, ठीक है।
प्यारे बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री ने एक समझौता किया था पाकिस्तान के साथ जिसका नाम है ताशकंद समझौता, जो कि उसी साल हुआ था 1966 में ताशकंद में, और वही ताशकंद जगह पर 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, इसी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अगला देखिएगा, 1974 में पहला पोखरण परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? हम सब जानते हैं 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, और दूसरा कब हुआ था? 1998 में। याद रखिएगा, 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था और पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में। ठीक, अब ये दोनों कहां पर हुआ था? परमाणु परीक्षण पोखरण एक जगह है राजस्थान में, वहीं पर पहला दूसरा दोनों परीक्षण हुआ था। ठीक, अब जब पहला परमाणु परीक्षण हुआ था तो उस वक्त में जो है इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी, और आपातकाल लागू अभी तक नहीं हुआ था। आपातकाल तो 25 जून 1975 को लागू हुआ था, उससे पहले ही आपका परमाणु परीक्षण हो चुका था पहला 1974 में, और उस वक्त में प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। अगला देखिए क्वेश्चन 33, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति का प्रमुख आधार निम्नलिखित में से किसे बनाया? हम सब जानते हैं जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे और भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे, और ये जो है विदेश नीति के तहत, विदेश नीति का मतलब क्या हो गया, अगर आप दूसरे देशों के साथ संबंध रखना चाहते हैं तो दूसरे देशों से संबंध रखने के लिए कुछ नीति बनानी पड़ती है, इसी नीति को विदेश नीति कहा जाता है, या फिर विदेशों के साथ संबंध बनाने के लिए कुछ नीति बनानी पड़ती है, इसी नीति को विदेश नीति कहते हैं। और भारत का विदेश नीति दुनिया का सबसे अच्छा नीति माना जाता है, अच्छा नीति में से एक माना जाता है, जिसमें से शांति, भारत का विदेश नीति में सबसे पहला टारगेट क्या है कि पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो, मित्रता, सभी देश जो है आपस में दोस्ती के जैसा रहे, दोस्त के जैसा रहे, और समानता, और सभी को बराबर एक समान नजरिए से देखे, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति की प्रमुख आधार निम्नलिखित में से किसे बनाया, ये सभी को प्रमुख आधार बनाया, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का। अगला देखिए क्वेश्चन 34, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम एशियाई महासचिव कौन था, यानी कि आपको पता है ना संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महासचिव चुना जाता है, अभी वर्तमान में महासचिव का नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा महासचिव के बारे में, है ना, तो वर्तमान में जो अभी महासचिव है उनका नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस, जो कि लगातार 6 साल से है ना, एंटोनियो गुटेरस, और एक महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, 5 साल के बाद फिर चुनाव होता है, और एंटोनियो गुटेरस दोबारा भी जीत गए, है ना। और अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा यू थाट, बहुत बढ़िया, यू थाट आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यही जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव थे, बहुत बढ़िया, एंटोनियो गुटेरस जो है वर्तमान में है। अगला देखिएगा, दक्षिण से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है दक्षिण के बारे में, ये अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहला पूछा जाता है कि दक्षिण की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? 1985 में, है ना, दक्षिण की स्थापना कब हुई? 1985 में दक्षिण की स्थापना हुई थी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, दक्षिण का मुख्यालय कहां पर है? तो दक्षिण का जो मुख्यालय है वो आपका काठमांडू में है, कहां पर है? काठमांडू में, नेपाल में दक्षिण का मुख्यालय है, काठमांडू नेपाल में। अच्छा, दक्षिण का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला सम्मेलन कहां हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला सम्मेलन आपका हुआ था ढाका में, ढाका यानी कि बांग्लादेश में पहला सम्मेलन हुआ था, जहां पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वहीं पे ढाका में दक्षिण का पहला सम्मेलन हुआ था, इसका मुख्यालय काठमांडू है, और दक्षिण की स्थापना 1985 में हुई थी। दक्षिण को हम लोग हिंदी में या इंग्लिश में शॉर्ट में सार्क कहते हैं, सार्क, क्या कहते हैं? सार्क। ठीक है, सार्क मतलब दक्षिण। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या, टोटल देश कितना है? 8 देश है, 8। टोटल देशों की संख्या कितनी है? 8। और 8वां देश का नाम क्या है? अफगानिस्तान। 8 देश का भी नाम याद रखिएगा, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नहीं म्यांमार नहीं है, बांग्लादेश के बाद आपका आ जाओ सीधा मालदीव और श्रीलंका, टोटल 8 देश है। ठीक है, और 8वां देश कौन सा बना था? अफगानिस्तान, 8वां सदस्य है, जो कि 2007 में बना। तो दक्षिण से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आपका हर हाल में रहेगा, अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, है ना, दक्षिण के बारे में। अगला देखिए क्वेश्चन 36, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी, ऑप्शन डी आपके सही हो जाएंगे, याद रखिएगा बिल्कुल 36 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्या बात है, ए ओ होम, इसी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने किया? ए ओ होम, इसी ने किया था। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, एनी बेसेंट, हम ये सब कई बार आपको बता चुके हैं,
इसलिए आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। जो लोग नए जुड़ते हैं प्लीज वो लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एनी बेसेंट जो है भारत के एनी बेसेंट जो है कांग्रेस पार्टी के पहली महिला अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट। और भारत का पहली महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस पार्टी का, भारतीय महिला पहली अध्यक्ष कौन थी, तो उनका नाम था इंदिरा गांधी। यानी कि भारत से अगर कोई सबसे पहली महिला अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी का तो उसका नाम इंदिरा गांधी है। बाकी एनी बेसेंट जो है ये पहली अध्यक्ष थी। लेकिन अगर पूछा जाए भारत की पहली महिला कौन थी जो कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था, तो उनका नाम था इंदिरा गांधी, 1959 में थी वो। ओके, अगला देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। अब ये पंचवर्षीय योजना के बारे में भी आपको एक से दो क्वेश्चन एग्जाम में हर हाल में रहेगा, दो तीन क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। देखिए सबसे पहले योजना आयोग आता है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं योजना आयोग के बारे में। और योजना आयोग का जो गठन है वो हुआ था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। और ये योजना आयोग का काम क्या था, देश का देश कैसा कैसे विकास करेगा उसका रास्ता बताना और रणनीति बताना, देश विकास कैसे करेगा, इसीलिए योजना आयोग का गठन हुआ था। कब, 15 मार्च 1950 को। फिर ये जो योजना आयोग है ये लेके आया पंचवर्षीय योजना। क्यों लेके आया था योजना आयोग पंचवर्षीय योजना, ताकि अगले 5 साल का प्लानिंग तैयार करने के लिए कि किस तरीके से अगले 5 साल हम लोग देश का विकास करेंगे, कितना खर्च आएगा, कितना व्यय होगा, कितना आमदनी होगा, ये सारी चीजों का लेखा जोखा करने के लिए योजना आयोग जो है पंचवर्षीय योजना की योजना की शुरुआत किया 1951 में। तो 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, किसने किया था, योजना आयोग ने। याद रखिएगा पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। ठीक है, फिर जो दूसरा पंचवर्षीय योजना है ये चली थी 1956 से लेकर के 1961 तक, लगातार 5 साल चलता है एक पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1951 से 56 तक जो पंचवर्षीय योजना चली थी इस पर ज्यादातर ध्यान दिया गया था कृषि पर, इसीलिए पंचवर्षीय योजना को कभी कभी हम लोग कृषि योजना भी कहते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना को। तो पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी, जिस पर कृषि यानी कि खेती बाड़ी किसान मजदूर पर ध्यान दिया गया था। फिर दूसरी जो पंचवर्षीय योजना चली थी इस पर ज्यादातर ध्यान जो है उद्योग पर दिया गया था, किस पर, उद्योग पर। ये सभी चीज आप याद रखिएगा। ओके, और पहला पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, फिर चौथा कब गया था, 67 से 72। बहुत बढ़िया, अगला देखिए, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है। तो अभी हमने बताया कि 1951 से 56 ये आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना था, जहां पर खेती पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था। यानी भारत का कहना था कि सबसे पहले हम लोग किसानों की हालत को ठीक करेंगे, खेती बाड़ी ठीक करेंगे, सिंचाई के लिए किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, ये सारी चीज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 40, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपये खर्च की व्यवस्था की गई। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना हुआ था इस पर टोटल कितना रुपया खर्च किया। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है ना वो 3870 करोड़ होगा। क्या 40 का राइट आंसर डी ए होगा। है ना, ए ही होगा, बिल्कुल। तो 40 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय में कुल कितने रुपए खर्च हुए, 3870 करोड़। अगला देखिए क्वेश्चन 41, किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से भी जाना जाता है। देखिए पहला पंचवर्षीय योजना को हम लोग कृषि आधारित योजना कहते हैं या कृषि योजना कहते हैं, क्योंकि उस पर ज्यादातर ध्यान कृषि पर दिया गया था पहला पंचवर्षीय योजना में। फिर जो दूसरा पंचवर्षीय योजना लागू किया गया 1956 में 5 साल के लिए, तो इस पर जो है औद्योगिक और परिवहन पर ध्यान दिया गया था। कौन सा पंचवर्षीय योजना में, दूसरा पंचवर्षीय योजना में, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो कौन सा पंचवर्षीय योजना में परिवहन और उद्योग पर ध्यान दिया गया, तो प्यारे बच्चों उस पंचवर्षीय योजना का नाम है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि चली थी 1956 से लेकर के 1961 के बीच। ठीक, पहला पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरा 56 से 61, फिर तीसरा 61 से 66, 5 साल के लिए चलती है एक पंचवर्षीय योजना। ओके, वेरी गुड। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 42, सौराष्ट्र ये किस राज्य का अंग है। तो हम सब जानते हैं कि सौराष्ट्र जो है ये गुजरात का अंग है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 42 का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया है, नो डाउट क्या लाजवाब आंसर आप लोगों का आ रहा है, वेरी गुड। प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, एक स्टूडेंट पूछ रहा है मेरे भाई, प्रथम आम चुनाव जो है ये हुआ था 1952 में। ठीक, याद रखिएगा प्रथम आम चुनाव आपका कब हुआ, 1952 में ये हुआ था आपका प्रथम आम चुनाव। मेरी वीडियो बड़ी बन जाती है बहुत, है ना, ये सब की वजह से। प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था, फिर उसके 5 साल के लिए एक बार जो कोई चुनाव जीतता है, पहला जो इलेक्शन हुआ 1952 में, तो कितना साल तक रहेगा, 5 साल तक। तो फिर दूसरा जो चुनाव है वो हुआ था 1957 में। ठीक है, और दोनों में कांग्रेस पार्टी जीते थे। फिर तीसरा कब हुआ, 1962 में,
इस पर भी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी, ओके याद रखिएगा ठीक। और पंचवर्ष योजना की स्थापना 1951 में, योजना आयोग की स्थापना कभी 1950 में, योजना आयोग जिसको हम लोग आज के दिन नीति आयोग कहते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष को प्रधानमंत्री कहा जाता है, नीति आयोग का भी अध्यक्ष को प्रधानमंत्री कहा जाता है। और योजना आयोग का नाम नीति आयोग कौन किया, भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी जी। चलिए तो यहां पर इसका आंसर बताए क्या, अच्छा 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो रिया नाम है, रियो डी जेनेरियो, ठीक है। तो पृथ्वी सम्मेलन को हम लोग रियो सम्मेलन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो पृथ्वी सम्मेलन है हुआ था रियो डी जेनेरियो नामक जगह पर, जो कि पड़ता है ब्राजील में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा ठीक है। तो ये पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992 में, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। और पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में, कहां पर, रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में एक जगह का नाम है, इसीलिए इस सम्मेलन को हम लोग रियो सम्मेलन भी कहते हैं। अगला देखिएगा, सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई, हम सब जानते हैं कि 1917 से पहले कोई भी सोवियत संघ नहीं था, याद रखिए अच्छे से याद रखिए। 1917 से पहले प्यारे बच्चों रूस में एक शासन चलता था, जिस शासन का नाम है जारशाही शासन। 1917 से पहले एक रूस में एक शासन चलता था जिनका नाम क्या है, जारशाही शासन। और एक क्रांति हुआ, जिस क्रांति का नाम क्या है पता है, बोल्शेविक क्रांति, ठीक है। एक क्रांति हुआ प्यारे बच्चों, जिस क्रांति का नाम है बोल्शेविक क्रांति। और ये बोल्शेविक क्रांति में क्या हुआ था पता है आपको, ये बोल्शेविक क्रांति को ही हम लोग कहते हैं रूसी क्रांति। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूस की क्रांति या रूसी क्रांति कब हुई, तो याद रखिएगा रूस की क्रांति या रूसी क्रांति जो है ये आपका 1917 में हुआ था, इसी को हम लोग बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। और बोल्शेविक क्रांति जब हुआ तो उसी समय ये जारशाही शासन का खत्म हुआ, जार का समाप्ति हुआ, और यही बोल्शेविक क्रांति के बाद प्यारे बच्चों आपका शुरू हुआ था सोवियत संघ। तो सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के बाद शुरू हुई, रूसी क्रांति के बाद, यानी कि इसी को हम लोग बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा बोल्शेविक क्रांति कब हुई, 1917 में, ठीक 17 राइट आंसर है या 19, 17 ही सही होगा ठीक है। सर क्रैश कोर्स कब होता है, कल ही लिए हैं। सबसे पहले तो जो जो क्रैश कोर्स लिए हैं वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा क्रैश कोर्स जो जो लिए हैं ठीक है। नंबर देख लीजिए 87096910975, तो 87096910975 इस नंबर पे जो क्रैश कोर्स ले चुके हैं वो ग्रुप में मैसेज करके व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर जब क्लास शुरू होती है आपको टाइम मिल जाता है, क्लास का टाइम आपका 11 बजे है, 11 AM, उसके बाद आपका 5 PM, उसके बाद 8:30, तीन टाइम आपकी क्लास होती है क्रैश कोर्स में, अभी होगी 8:30 बजे ठीक है। तो एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि क्लास कब होती है, ये टाइम है आपका और ये नंबर है, इसमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा तो आपको बोल दीजिएगा, ग्रुप में जोड़ दीजिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज के जोड़ लीजिएगा, है ना, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा प्रूफ के तौर पर। सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के बाद हुई, बोल्शेविक क्रांति कब हुई, 1917 में, और बोल्शेविक क्रांति किसके नेतृत्व में हुई, लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति किया था। और यही क्रांति के बाद प्यार बच्चों क्या हुआ था पता है, साम्यवादी की स्थापना हुई थी, वही साम्यवादी विचारधारा, समझ गए, तो साम्यवादी विचारधारा 1917 में ही आया था। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सही है, तो बताइएगा भारतीय विदेश नीति का क्या क्या लक्ष्य है। तो पहला, नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास करना, या मानवाधिकारों की रक्षा करना, या उपनिवेशवाद का विरोध करना, या उपरोक्त सभी। तो हम सब जानते हैं भारतीय विदेश नीति जो है ये सब चाहता है, हम लोग चाहते हैं कि जो लोग नस्लीय भेदभाव करता है उनको समाप्त करो, मानवाधिकार की ज्यादा से ज्यादा रक्षा करो, मानवाधिकार लोगों को रक्षा करो चाहे उसका धर्म जाति कोई भी हो, और उपनिवेशवाद यानी कि जो एक देश दूसरे देश को जो गुलाम बनाता है इसी भावना को उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे अंग्रेज भारत को गुलाम बनाया तो वो यहाँ पर आके क्या किया, उपनिवेश किया, और इसी भावना को उपनिवेशवाद कहते हैं। तो भारत जो है उपनिवेशवाद का भी विरोध करता है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा 45 का, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 46, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है, तो हम सब जानते हैं भारत के विदेश मंत्री कौन, जवाहरलाल नेहरू, इसलिए विदेश नीति के निर्माता कौन, जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के पहला विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। अगला देखिए, जस्टिस पार्टी ये किस राज्य से संबंधित पार्टी थी, बताइए फटाफट से, जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित पार्टी थी, ऑप्शन डी मद्रास सही हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी 47 का सही हो जाएगा। अगला देखिए, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई, बताइए कौन सा देश की वजह से एक ध्रुवीयता कायम हुई, तो हम सब जानते हैं कि प्यारे बच्चों जैसे ही सोवियत संघ का समाप्ति हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में,
सुवे संघ का जैसे ही विघटन हुआ, उनके बाद सुवे संघ खत्म होने के बाद अमेरिका का जो दबदबा है वो पूरे देश में बढ़ गया। तो इसका मतलब किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवता कायम हुई? अमेरिका के प्रभुत्व से एक ध्रुवता कायम हुई। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का। बहुत बढ़िया, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 49। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो हम सब जानते हैं गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था राम मनोहर लोहिया ने। संपूर्ण क्रांति का भाषण दिया था जयप्रकाश नारायण ने। याद रखिएगा राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50। सिक्किम भारत का कौन सा नंबर का राज्य है? बताइए सिक्किम जो है भारत का राज्य बना तो कितने नंबर का राज्य बना था? 50 का बिल्कुल 22वां बिल्कुल। और सिक्किम कब राज्य बना? 1975 में। याद रखिएगा 1975 में सिक्किम जो है भारत का राज्य बना। ठीक है, आपको कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हम बोलेंगे कि बताओ कर्नाटक भारत का राज्य कब बना, तो प्यारे बच्चों कर्नाटक भाषा के आधार पर राज्य बना था, कन्नड़ भाषा के आधार पर कर्नाटक राज्य बना। और ये कब बना था प्यारे बच्चों? अच्छा कर्नाटक जो है भाषा के आधार पर राज्य बना, कब बना था? 1956 में। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों राज्य कब बना, तो एम फॉर महाराष्ट्र और जी फॉर गुजरात ये दोनों भाषा के आधार पर राज्य बने। महाराष्ट्र मराठी लोग महाराष्ट्र और गुजराती लोग गुजरात बनाए, और ये कब बने थे? 1960 में। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे कि पंजाब और हरियाणा, पी फॉर पंजाब एच फॉर हरियाणा ये दोनों कब बने थे प्यारे बच्चों? 1966 में। तो पंजाब और हरियाणा जो है 1966 में, मद्रास और महाराष्ट्र और गुजरात जो है 1960 में, 1956 में कर्नाटक। ये सभी देश का नाम याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। और गोवा जो है भारत का राज्य कब बना? 1987 में। ठीक, सिक्किम भारत का कौन सा राज्य था? 22वां। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों फटाफट से आप लोग जवाब दीजिएगा कि आप लोगों ने 50 में से टोटल कितना क्वेश्चन सही किया, फटाफट से जवाब दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों अगर आपकी पॉलिटिकल साइंस में अच्छी तैयारी नहीं है, और अगर आपको लगता है कि आपको और तैयारी करनी चाहिए, अपने तैयारी को 10% से 20, 20 से 50, 50 से 60, इस तरीके से अपने तैयारी को अगर बढ़ाना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सारा चीज़ जो है प्यारे बच्चों हम लोग दे रहे हैं क्रेश कोर्स में। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट अभी तक क्रेश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो प्यारे बच्चों ये मात्र एक दवा है जो कि हर मर्ज की दवा है ना। आपकी तैयारी कितना भी कमजोर हो, अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं और बेहतर नंबर लाना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों क्रेश कोर्स को जरूर ज्वाइन करिएगा। क्रेश कोर्स में बेसिकली क्या है हम आपको फटाफट से बता देते हैं। इस क्रेश कोर्स में हम लोग पिछले 10 साल का आपको क्वेश्चन बैंक करवाएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर आपको करवाएंगे। और अगर क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर कर लेते हैं अच्छे से बिल्कुल आसान भाषा में, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों वो हम आपको करवाएंगे, लाइव क्लास में याद करवाएंगे, ये दोनों अगर कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों आपका 60 से 70% जो है इससे ही आएंगे, 60 से 70%। ठीक है, फिर आपको मिलेगा सबसे बेहतरीन चीज जो कि है गेस क्वेश्चन। और ये गेस क्वेश्चन हम लोग आपको देंगे लगभग 250 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और लगभग 60 से 70 सब्जेक्टिव। और यकीन मानिए अगर आप ये सभी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देने के बाद इसका क्लास भी करवाएंगे, ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो 100% है कि आप जो है फर्स्ट डिवीजन आराम से कर लीजिएगा, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो। और अगर आप अच्छी तैयारी है, आप तैयारी को और बनाना चाहते हैं, 60 से 80 से अच्छा नंबर, 400 450 ऐसे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो क्रेश कोर्स जो है एक ही दवा है जिसको आप ज्वाइन करिए। क्रेश कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आप तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, ठीक है, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ऐप का, वहां से डाउनलोड कर लीजिए तनु क्लासेस ऐप को, वहां से आप क्रेश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक, तो आपके पास सिर्फ दो ही रास्ता है, या तो खुद से पढ़िए या हम लोगों से पढ़िए। अगर आप हम लोगों से पढ़ते हैं तो आपको बेनिफिट ये होगा कि हम आपको लाइव क्लास में के दौरान पूरा सब्जेक्टिव याद करवाएंगे, टेस्ट देकर के पूरा ऑब्जेक्टिव याद करवाएंगे, और 3 टाइम आपकी क्लास होती है जो कि हमने बताया, एक सुबह 11 बजे, एक प्यारे बच्चों 5 बजे, एक शाम को 8:30 बजे। ये 3 टाइम अगर आप क्लास में जोड़ते हैं तो इससे भी आपकी तैयारी बहुत लाजवाब और बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, अगर आप तनु क्लासेस में जुड़ते हैं और तनु क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्रेश कोर्स में जुड़ते हैं, तो जुड़ने के लिए आपको सिंपली गूगल पे फोन पे पेटीएम कुछ भी चलाते हैं डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप वो सब कुछ नहीं चलाते तो नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, याद रखिएगा, तो फटाफट से आप लोग क्रेश कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग आपको कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इतने कम समय में आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए वो सारा चीज बताते हैं। क्योंकि आपको पता है भाई सिलेबस बहुत बड़ा है और इतना कम टाइम में तैयारी नहीं हो सकता, लेकिन एक रास्ता है वो ये है कि आपको अगर बताएं कि भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, उस चैप्टर के अंदर में टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपके नंबर बहुत अच्छी आ जाएगी।
जैसे अगर बात करें कि मान लो हिस्ट्री में 15 चैप्टर है, उसमें से 6-7 चैप्टर पढ़ के अगर पूरा नंबर आ जाए तो हम वो 6-7 चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। ओके, तो जल्दी जल्दी से क्रेस्को ज्वाइन कर लीजिए। तनु क्लासेस ऐप का नाम है, ये मोबाइल नंबर है, डायरेक्ट ज्वाइन करके अच्छे से पढ़ाई करिए। और इसका फीस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 499 अभी इसका फीस है, ठीक है, वन ऑफ द लोएस्ट फी और सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। अब ये 30 दिन में तैयारी को बेहतर कैसे बनाएं और अच्छे से तैयारी कैसे करें, जितना भी क्यों उससे बेहतर, तो सबसे पहला चीज क्या करना है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि मान लो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है और हिस्ट्री में आपको टोटल 15 चैप्टर है। एग्जाम्पल सभी सब्जेक्ट का ले सकते हैं, आपका टोटल 15 है, तो 15 में से जो चैप्टर आपका कंप्लीट है, मान लो 15 में से आपका 5 चैप्टर है जो कि क्या है, कंप्लीट है ना, 15 चैप्टर में से 5 चैप्टर आपका है जो कि क्या है प्यारे बच्चों, पूरा है, तो इसको सबसे पहले करो रिवाइज। इसको सबसे पहले क्या करो, रिवाइज करो, जिससे दिमाग में ये बैठ जाएगा, संतुष्टि मिल जाएगा कि हाँ भाई मेरा 5 चैप्टर जो है कंप्लीट है, मजा आ गया। ठीक, अब बचा कितना चैप्टर, 10 चैप्टर। अब ये 10 चैप्टर का तैयारी कैसे करोगे, तो अब ये 10 चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो मान लेते हैं 10 चैप्टर में 5 चैप्टर तो आपका कंप्लीट है, बचा 10 चैप्टर, ये 10 अध्याय में एक ले लेते हैं चैप्टर आपका 6 है ना, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा ट्रिक बता रहे हैं, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, ठीक, और सो ऑन चैप्टर 15। ठीक है, अब चैप्टर 6 से मान लो, सिर्फ आप मानने के लिए कह रहे हैं कि चैप्टर 6 से जो है आपके पूछे जाते हैं 7 नंबर, चैप्टर 7 से पूछे जाते हैं 8 नंबर, ठीक है, चैप्टर आपका 12 से पूछे जाते हैं 12 नंबर, चैप्टर आपका 11 से पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों 11 नंबर, चैप्टर आपका 13 से पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों 24 नंबर। ठीक, अब देखो तैयारी कैसे करना, तो सबसे पहले 5 चैप्टर कंप्लीट उसको रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद जो चैप्टर बाकी रहेगा तो इसमें देखना है कि कौन चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको जो 13वां चैप्टर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर 13 को कंप्लीट करेंगे, इससे क्या हो गया कि मेरा 24 मार्क्स मेरे हाथ में आ गया। उसके बाद कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद ये 11वां चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चलो भाई 11वां चैप्टर को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद 12वां चैप्टर 12 नंबर वाला ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इस तरीके से 3 चैप्टर मेरे हाथ में आ गया और ये कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद उससे कम वाला, अच्छा ये 8 नंबर वाला है, चलो 8 नंबर वाले को पहले पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करनी है अपनी तैयारी को, समझ गए, और ऐसे ही हम लोग आपको क्रेश कोर्स में करवाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको क्रेश कोर्स में करवाते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके क्रेश कोर्स में ज्वाइन करिए, इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, या तनु क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाउनलोड करिए, और सिर्फ 499 फी में पूरे कोर्स का फायदा उठाइए। एकमात्र दवा है जो कि आपको टॉपर बना सकता है प्यारे बच्चों, वो है क्रेश कोर्स। ठीक है, इसमें गेस क्वेश्चन वगैरह सब देंगे 10 जनवरी के बाद, जिसको पढ़ के आपके पूरे एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल ऑफ यू, चलो 8:30 बजे क्लास से जुड़ जाना आप लोग।